भोजपुर आरा नागरी प्रचारणी में आज 1 मई 2023 को समाजवादी चिंतक पूर्व सांसद मधुकर रामचंद्र मधुलेख के 101वें जन्मोत्सव पर मजदूर दिवस समारोह मनाया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह चंद्रवंशी द्वारा ये आयोजन किया गया। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया पूर्व सांसद मधुमेह के लिए, आप पश्चिम में क्या कहना चाहेंगे आज श्रमिक दिवस के अवसर पर? आज मधुमेह जी का 101 जो जन्मदिन है और मजदूर दिवस भी है, तो इस अवसर पर हम लोगों ने मजदूर किसान के जो वो लोग आदर्श थे, वो मजदूरों के विषय में वो लोग सोचते थे कि कैसे मजदूर आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, तो उन लोग का सोच जो था तो बहुत सराहनीय था, समाज के सभी वर्गों के लिए वो लोग आदर्श थे, जो समाजवादी चिंतक थे, जो मधुमेह जी का जहाँ भी समाजवाद का नाम आता है तो जरूर मधुमेह जी का नाम आता है, तो इस अवसर को उनको याद करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और मजदूर दिवस और किसान जो हितैषी थे मजदूर किसानों के लिए, तो वे हम लोग के लिए आदर्श थे, इसी अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। वादी चिंतक मधुर लिमेज जी का आज 101वां जन्मदिन समारोह था और उस समारोह के अवसर पर आज मजदूर दिवस भी है, उनका जन्म दिवस भी है, तो माननीय राजेंद्र जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मधु लिमेज जी एक समाजवादी चिंतक थे, समाजवादी नेता थे और मजदूरों के लड़ाई लोग लड़ते थे, तो उनके याद में मजदूरों को याद करना मैं समझता हूँ मुनासिब था और हमारे दल के ही राजेंद्र जी हैं, उन्होंने आयोजन किया था। उस वक्त की क्या परिस्थिति नहीं बता सकते, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने वर्तमान परिस्थिति में मजदूरों के लिए बहुत सारे कानून लाए हैं और उस कानून को सरजमीन पर भी लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब मजदूर कोई दूसरा राज्य में भी मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा, उसके परिजन को लाखों रुपए से ऊपर दिए जाते हैं मददगार के रूप में और ये सिलसिला जारी है। उसके लिए बिहार से बाहर दिल्ली में भी एक बड़ी IAS पदाधिकारी को बैठाया गया है ताकि उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो मजदूरों के प्रति नीतीश कुमार की सरकार गंभीर है और उसके लिए बहुत सारे कानून बनाई गई हैं, जिस कानून को लागू किया जा रहा है और इसका मजदूर लाभ ले रहे हैं। सर, सवाल एक है, अभी आपने कहा कि बिहार के मजदूर बाहर में कुछ होता है तो कानून बनाया गया, तो ऐसी क्या मजदूरी है कि बिहार के लोग ही सब जगह जाके मजदूरी करें? ऐसा कोई प्रतिबंधित था क्या कि देश के किसी राज्य में लोग कमाने नहीं जाए? मजदूर सबसे ज्यादा बिहार के लोग मजदूरी करने जा रहे हैं। अरे भैया, देखा होगा कुछ मजदूर लोग जाएंगे कमाने के लिए ना, नौकरी करने लोग नहीं जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अरे 14 करोड़ की आबादी है, कितना लोग रोजगार दीजिएगा? रोजगार की अपनी सीमा होता है ना। अब दिल्ली में कोई कमाने जा रहा है, गुजरात में कोई कमाने जा रहा है, बम्बई में जाना है, तो उसकी स्वतंत्रता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन दूसरे राज्यों में जाता है और एक्सीडेंटियल घटना होती है तो देश के किसी भी ऐसा स्टेट सरकार ने कानून नहीं बनाया, खाली बिहार में बना है, जिसके लिए हम रक्षा करते हैं और उसका काम करते हैं।